नमस्कार दोस्तों, जल्दी ही आप लोगों के बीच में नागिन 6 तो कमबैक कर रहा है 30 जनवरी से, लेकिन इस समय की बहुत बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि सभी दोस्तों को पता है कि माहिरा शर्मा को नागिन 6 के लिए कास्ट किया गया है, लेकिन अदा खान के साथ साथ में आपकी अपनी फेवरेट रूबीना दिलेक को नागिन 6 से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सभी लोग जानते हैं कि नागिन 6 के लिए एकता कपूर ने सबसे पहले सेलेक्ट किया था अदा खान को, जो कि उससे पहले उन्होंने रूबीना दिलेक को वादा किया था। अदा खान नागिन 1 में भी नजर आ चुकी हैं और वाकई में इस बार खुद एकता कपूर ने पुष्टि की थी कि वो इस बार रूबीना दिलेक के साथ साथ में अदा खान को कास्ट करेंगी, लेकिन माहिरा शर्मा का नाम उन्होंने अचानक ही ले लिया है और माहिरा शर्मा को ही फाइनल कर दिया है नागिन 6 के लिए। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, आज मैं आपको पूरी जानकारी से रूबरू कराने जा रहा हूँ। सभी दोस्त जानते हैं कि नागिन 6 एक ऐसा सीरियल है कि जिसकी लोगों में काफ़ी ज़्यादा क्रेज है और काफ़ी समय से लोग इस सीरियल का बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे थे, लेकिन हाल ही में ही एकता कपूर ने इंटरव्यू में रूबीना दिलेक के बारे में एक ऐसी चीज़ बताई है कि जिसे सुनकर विश्वास नहीं होता है। रूबीना दिलेक के बारे में उन्होंने बताया था कि रूबीना दिलेक को समय बहुत कम है, जो कि शूटिंग के दौरान थोड़ी सी समय की प्रॉब्लम होती है, लेकिन इन सभी के बीच में खुद आपकी अपनी फेवरेट अदा खान और अदा खान के साथ साथ में रूबीना दिलेक ने ये साबित किया है कि उन्हें किसी भी तरीका का टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि एकता कपूर ने खुद ही नहीं चाहता कि इस बार जो कि आपकी अपनी फेवरेट स्टार यानी रूबीना दिलेक या अदा खान इस सीरियल में दस्तक दें। और फाइनली इस समय ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी, क्योंकि इससे पहले मौनी रॉय, सुरभि ज्योति, जैस्मिन वसीम काफ़ी ऐसी स्टार हैं जो कि नागिन का हिस्सा रह चुकी हैं, लेकिन इस बार नागिन का हिस्सा बहुत ही अलग एक्टर्स को दिया गया है, जो कि माहिरा शर्मा पहली बार नागिन 6 के हिस्सा बनने जा रही है। और ऑडियंस के लिए भी ये काफ़ी बड़ी सरप्राइजिंग बात है, क्योंकि ऑडियंस को पता है कि इस बार नागिन 6 और भी ज़्यादा हिट होने जा रहा है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।